आज हम लोग का 75 हार्ड व्लॉगिंग डे का 11वां दिन है। तो दोस्तों, मैं नहा धोकर तैयार हो गया हूँ। अब नमाज़ पढ़ के इंतज़ार करूँगा इन लोगों का, आबिद और नयाब का। ये लोग आ जाए तो फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं नमाज़ पढ़ कर। ठीक दोस्तों, व्लॉग एक बहुत बड़ी हेडक बन चुकी है। हम लोग सोच रहे हैं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। भाई कह रहे हैं अपनी परेशानी मत बताइए। तो अब देखते हैं हम लोग को जाना कहाँ, ये बताइए पहले आप। सबसे बड़ी बात दिक्कत वो बन चुका ब्लॉग, सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग ये हो गई है। भाई चले आते हैं रोज गाड़ी से यार, लाल लेकिन जाना। अच्छा मैचिंग देख रहे हैं, ये लाल गाड़ी और भाई जैकेट भी, आज हुडी जैकेट जो भी लाल पहन गया, तुरंत जैसे कैमरा घुमाओ पेट अंदर कर लेता है फौरन। सबसे बढ़िया चीज है तुरंत पेट अंदर करता है। ऐसे खड़ा रहा है, ऐसे खड़ा रहा जैसे हम दिखाया वो डीलर हो गया, तुरंत पेट अंदर कर ले। होता है पेट नहीं है तुम्हारे, पेट से नॉर्मल खड़े रहा करो। मैचिंग कार लेके आए, देख रहे हो भाई आज बवाल है, पागल इस्लामाबाद में चलना कहाँ है। वो तुम्हारे दोस्त आ रहे डिलीवरी पार्टनर, चलना इधर ये सब जगह जाओ। दो जगह पे देखो, हम लोग प्लान बना रहे हैं दोस्तों कहाँ जाना है कहाँ नहीं। यार कैमरे पे हमारे लगा है कुछ, हमें ऐसा शक हो रहा है। अब वीडियो अगर गंदी आई पूरी मेहनत हम लोग की खराब हो जाएगी, हाथ दर्द करने लगता है। तो अब देखते हैं एक मिनट क्या करना है दोस्तों। अब जा रहे हैं हम लोग बनाने हैं वीडियो, वीडियो बना के मिलते हैं हमारे। ठीक है तो दोस्तों, हम लोग के साथ एक घटना हो गई, दुर्घटना जिसे कहा जाता है ना। मैंने एक वो मंगाया था एसिक्स लाइट का शूज़, एसिक्स शूज़ मंगाया था, 3500 का था लगभग। तो उसको मैंने क्या किया ना कि मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको हम लोग ने रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न किया ना तो डिलीवरी बॉय आया, और मतलब काफ़ी दिन पुरानी बात हो गई, मतलब कि 10-15 दिन हो गए, लेकिन काफ़ी याद आ गया। तो उसको जब मैंने रिटर्न किया ना, तो उसने वहाँ पे डिलीवरी पार्टनर ने ये किया कि शूज़ रख कर और वहाँ पे जंक सूट होता है कुछ स्विमिंग विमिंग वाला, वो दे दिया वापस, और मेरे 3500 रुपये फंस गए। जब कस्टमर केयर से बात करें तो आपने, तो वो बोल रहे हैं कि आपने सही सामान नहीं दिया, मतलब कि शूज़ वापस नहीं किया। इसी वजह से मैंने डिलीवरी बॉय को पकड़ कर, यानी कि डिलीवरी बॉय को पकड़ा, उसकी वीडियो बनाया, उससे पूछा कि मैंने शूज़ ही दिया था ना, तो कहने लगा हाँ। मैंने कहा ओरिजिनल दिया था ना, कहने लगा हाँ। मतलब सब उसको वीडियो बना के सब प्रूफ किया कि मैंने हाँ ये चीज़ दी है, उसने सब कबूला। उसके बाद मैंने उसका मैंने अमेजन को मेल किया, उसके बाद भी वो पैसा नहीं वापस कर रहे। मैं वाली व्लॉग, इस व्लॉग में वाली वीडियो भी अटैच करूंगा जिसमें मैंने डिलीवरी पार्टनर को पकड़ के सब उसमें मैंने उससे कुबुलवाया है कि मैंने यही शूज़ दिया था ना। बोलने का हाँ। मैंने कहा तू मेरे पास यही शूज़ लेकर गए थे ना, कहने लगा हाँ। तो मैंने कहा उससे कि तुमने वाला वापस क्यों नहीं किया वहाँ पर, तो कहने लगा मैंने वही वापस किया था। कस्टमर केयर वाले कह रहे हैं कि मैंने शूज़ वापस ही नहीं किया। तो सारा प्रूफ है, मैं अभी वो प्रूफ पूरा अभी इस ब्लॉग में, इस मतलब बोलने के बाद अटैच करूँगा। आप लोग देखना सब कुछ अटैच है उसमें, और जितना हो सके आगे बढ़ाओ। अगर कोई अमेजन से रिलेटेड है इस ब्लॉग को देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करना, हेल्प करना। 3500 रुपये मिल जाएगा, बहुत मेहरबानी हो जाएगी। शूज़ मिल जाए, 3500 मिल जाए, शूज़ तो नहीं मिलेगा, पैसा ही मिल जाए भाई, क्योंकि समझ में नहीं आया मैंने वापस क्या। मैंने पूरा प्रूफ बनाया, मैं वीडियो अटैच करता हूँ अभी, देखिए आप लोग अभी वीडियो को। वाली देखिए, ये अमेजोन पार्टनर है, ठीक है, ये डिलीवरी पार्टनर ही है, ये पार्टनर है, और ये मेरा शूज़ है, ये मेरा शूज़ है एसिक्स लाइट, ठीक है, ये मेरा शूज़ है, ये ठीक है, यही शूज़ है, मैंने वापस किया था एसिक्स लाइट, यही वापस किया था जी जी। तो ये आपने शूज़ यही मिला था कि नहीं यहाँ से मेरे पास से, सेम प्रोडक्ट था जी जी, बिल्कुल सेम जी जी। ये देखो, ये सेम प्रोडक्ट था, यही जी जी। मैंने यही वापस किया था ना जी। अब ये बताओ तुमने कंपनी में यही दिया वापस, क्यों नहीं? हाँ सेम प्रोडक्ट जी, डिलीवरी बॉय ना अमेजोन के तुम जी जी, यही वापस दिया था तुमने सेम। ये शूज है, आ गया ये ऑर्डर डिटेल, ये ऑर्डर आईडी, ये एसिस का शूज, यही था जी, सेम प्रोडक्ट था, ये वापस किया था ना जी। चलो ठीक है, और कुछ बोलना बस, और कुछ नहीं बोलना ना।
अमेजोन पार्टनर हो, दिखाओ आईडी, दिखा दो एक बार फिर से अपनी, ये आईडी है इनकी। आईडी कहाँ से दिखाती है, आईडी दिखाओ, आईडी खोलो, ये तो फोटो है, आईडी खोलो, आईडी यहाँ दिखेगी वो खोलो, ये नहीं, यही आईडी, ये आईडी नहीं, अभी हम आईडी खोलो, यहाँ नंबर दिखाते, आईडी जो आईडी नंबर नंबर होता है कुछ, ये प्रोफाइल तो खोलेंगे भैया, आईडी नंबर होता है कुछ, यही होता है, सेम आ गया मेरा, सेम शूज था जी, ले गए थे वेरीफाई करके, कंपनी में कौन सा दिया, यही दिया था, कौन सा, यही सेम शूज दिया था ना कंपनी में, ये यही दिया था, देख लो, हाँ हाँ सर, अरे मैं आपको दिखा भी देता मैं आपको उस वक्त, हाँ दिखा भी देता उस, हाँ हाँ यही शूज दिया था, हाँ यही ठीक। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने डिलीवरी पार्टनर से सब कुछ बुलवाया है, इसमें सब कुछ उसने बोला है, लेकिन तब भी अमेज़न वाले मेरा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई भी अमेज़न का मतलब मैनेजर, सुपरवाइज़र या कुछ रिलेटेड हो अमेज़न से, तो हमको प्लीज़ मैसेज करो ताकि कुछ मेरी हेल्प कर सको यार, कसम से 3,500 रुपये बड़ा खल रहा है। और आज हम लोग की वीडियो भी नहीं बन पाई है, एक ही बन पाई है, थोड़ा दूर लोकेशन थी इसलिए उसमें जाने में टाइम लग गया, फिर थक गए, आने में टाइम लग गया, तो इसलिए एक ही वीडियो बन पाई है, अभी इधर बैठे बन पाई है। अब यहीं पे जो है हम लोग को बोलना चाहेंगे कुछ, अभी भाई आप बोलना यही चाहेंगे कि हम लोग ब्लॉग यहीं पे खत्म एंड करते हैं, और जाके आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, दबा कमेंट। आज हम लोग का कौन सा दिन है, आज है हम लोग का 75 हार्ड ब्लॉगिंग चैलेंज का 11वां दिन, ये आज अपना भाई बोले है एक बार में, बवाल है भाई, आज एक बार में बोले, आज जाके कमेंट करिए दबा। आज हम लोग का 75 हार्ड ब्लॉगिंग डे का 11वां दिन है, तो कमेंट करो, कमेंट करिए और लाइक करो, शेयर करो, कोई भी अमेज़न का अगर है इसमें तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करो। वैसे अगर व्लॉग एंड करना होगा तो कर देंगे यहाँ पे, वरना अगर रात में कहीं गए तो दिखा देंगे, वरना फिर एंड है व्लॉग। तो एक अच्छी स्माइल दे दो ऐसे करके एक दे दो अच्छी जैसे, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और 11वां दिन है, 20 के कराओ भाई टकला होगा, ठीक, खत्म खत्म, ओके।